हेलो गाइज, मेरा नाम है निर्मल और आप देख रहे हैं हाईटेक निर्मल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको एक 2018 के सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूँ, पीएनबी बैंक और नीरव मोदी के फ्रॉड के बारे में। और जी हाँ, ये विजय माल्या के फ्रॉड से भी ज़्यादा बड़ा फ्रॉड है। कुल 11,400 करोड़ रुपये इन्वॉल्व है इस फ्रॉड में, 1.8 बिलियन US डॉलर्स। तो क्या है ये कांड और कैसे जो है पीएनबी बैंक का स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो रहा है, किस तरह से इन्होंने फ्रॉड किया, कौन है नीरव मोदी, वही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, नीरव मोदी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक ज्वेलरी ब्रांड है और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा हैं और काफ़ी सारे हॉलीवुड स्टार्स के साथ भी इनका उठना बैठना रहता है। काफ़ी बड़ा ब्रांड है और मतलब ओवरसीज़ में ही इनका बिजनेस होता है मेनली जो है, और इनका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो नीरव मोदी ब्रांड के जो हेड है वो भी नीरव मोदी खुद ही हैं। तो इन्होंने किया क्या, एक्चुअली पीएनबी बैंक जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई के बाद, तो इन्होंने पीएनबी बैंक से जो है एक फ्रॉड करके एक LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है साइन करवा लिया। बेसिकली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं किसी बाहर की कंट्री से, सो जो आपका ट्रेडर है फॉरेन में जो आपको इंपोर्ट कर गया, मतलब जो ट्रेडर है बाहर का, वो आपसे गारंटी के तौर पर कुछ तो भी मांगता है। सो आपके ऊपर तो ट्रस्ट नहीं है उसको, लेकिन आपके बैंक के ऊपर ट्रस्ट होता है। तो वो लोग आपको बैंक से जो है एक लेटर साइन करवा के लेते हैं कि बैंक पेमेंट करेगा। सो बेसिकली आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप बैंक से लोन ले रहे हो। इन्होंने 11,400 करोड़ का LOU साइन करवा लिया पीएनबी बैंक से, जो कि कुछ अलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक और यूनियन बैंक, इनकी कुछ ओवरसीज ब्रांचेस को पे करना था। सो इस तरह से ये एक फ्रॉड की तरह से इन्होंने करवा लिया, इंपोर्ट के लिए साइन करवा लिया और 11,400 सब गायब हो गया। इसमें बेसिकली आपको पता है हमारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम या गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स है कैसे कुछ चल रहा है सब कुछ। 11,400 करोड़ का फ्रॉड है, इसमें 1-2 करोड़ या 1,000 करोड़ भी हो सकता है, किसी ना किसी को खिलाया होगा। तो मुंह बंद रख लिया लोगों ने अपना और फ्रॉड करके सब चला गया। बैंक के कई सारे ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ये कांड कोई आज का तो है नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है, पिछले 5-7 सालों से। आज जो है अचानक से सामने आ गया, सब चीज़ें जो है कंट्रोल से बाहर हो गई तो लोगों को पता चल रहा है और स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो रहा है पीएनबी बैंक का। इसमें जो एक्सिस बैंक और अलाहाबाद, उन सबको भी नुकसान हो रहा है, अलाहाबाद बैंक को भी। तो बेसिकली उनका कोई हाथ नहीं था, उन्होंने जो है अलाहाबाद बैंक की ब्रांचेस को पे करना था और इस तरह से जो है कुछ इन्होंने किया। और इनका जो संबंध है वो गीतांजलि ग्रुप के साथ भी है, गीतांजलि ग्रुप जो है इंडिया के डायमंड व्यापारी हैं, तो उनके साथ भी इनके रिलेशंस बताए जा रहे हैं नीरव मोदी के। तो ये 11,400 का बहुत बड़ा कांड है, इसके बारे में जो है एक्चुअली नुकसान पब्लिक का ही हो रहा है। स्टॉक मार्केट जो पीएनबी का क्रैश हो रहा है, लोगों ने ही इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक मार्केट में, लोगों का ही पैसा डूब रहा है। और बैंक डूबेगा तो लोगों ने ही अपने पैसे मेहनत करके जो पैसे जमा किए हैं बैंक में जमा किए हुए हैं, उनका ही नुकसान होने वाला है। तो ये सब जो है कांड बड़े बड़े लोग, ऊपर के लोग जो है कर लेते हैं और पब्लिक को ही नुकसान होता है। नीरव मोदी को ऐसा कहा जा रहा है कि वो अभी न्यूयॉर्क में हो सकता है, कुछ और लोग को कहना है कि वो स्विट्जरलैंड में है अभी। जहां भी होगा वो तो मजे ले रहा है, लेकिन लोगों का नुकसान हो रहा है। तो यही कुछ लोग हैं जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, लोगों को पता है कि अगर उनको पैसे खिला दिया जाए तो उनका काम बन जाएगा। बस एक बार उनका काम बन गया तो देश छोड़ के चले जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है पब्लिक के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो है ईडी ने जो है 5,649 करोड़ का जो है प्रॉपर्टी और एसेट्स उसके जब्त कर लिए, ऐसी रिपोर्ट्स का कहना है। ईडी का काम बेसिकली फेमा एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आता है। सो यही मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है ये फ्रॉड करके जो पीएनबी के साथ हुआ है। सो इस पे जो है ईडी का वहीं तक उसकी पावर्स लिमिटेड है कि वो जो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी बेच करके, एसेट्स बेच करके पैसे जमा करेगी। तो उतने पैसे नहीं हो पाएंगे, 5,600 करोड़ ही जमा हो पाए हैं अब तक, ऐसी रिपोर्ट्स का कहना है। और ईडी क्लेम कर रही है कि वो आने वाले टाइम में 11,400 करोड़ पूरा रिकवर कर लेंगे नीरव मोदी की प्रॉपर्टीज बेच करके, बट वो कहने की बातें हैं। और अगर रिकवर कर भी लेते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों में, क्या होगा तब तक, स्टॉक मार्केट का क्या होगा, पीएनबी बैंक पूरा क्रैश हो रहा है, एक्सिस बैंक, अलाहाबाद बैंक के शेयर्स भी काफ़ी डाउन चल रहे हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी इस फ्रॉड के बारे में, 2018 का अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है और विजय माल्या के फ्रॉड से भी काफ़ी बड़ा है। तो गाइज़, अगर आप ऐसे कुछ और केस स्टडीज़ देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो ज़रूर से वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट करके मुझे बताना है हमारी पहली केस स्टडी थी कैसी लगी आपको। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो मैं ऐसी केस स्टडीज़ भी लाया करूँगा अपने चैनल पर, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है इस तरह की केस स्टडीज़। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह के कंटेंट और टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। दैट्स ऑल, बाय, पीस आउट।